सो गाइस देखो रैंडम रेड के साथ क्लैश कॉड रैंक में कैसे खेलना है इसके ऊपर गाइस आप लोग को यूट्यूब में हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। बट गाइस देखो उन सब वीडियोस से आज का ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ना ये गाइस टोटली अलग होने वाला है, क्योंकि गाइस देखो मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में जो क्लिप दिखा रहा हूँ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे रैंडम रेड के साथ खेलना है। बाकी के सारे जो यूट्यूबर हो गए वो गाइस आप लोग को ऐसे ही नॉर्मली टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे कि ये करो वो करो, बट मैं आप लोग को फुल एकदम एक्सप्लेन करूंगा। बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगा उसके साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे कैसे आप लोगों को खेलना है ताकि आप लोग हर एक मैच ही रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीत पाओ और गाइस आप लोग का लास्ट में भूया भी हो जाएगा। और अगर आप लोग सीरियसली रैंक पुश कर रहे हो तो गाइस आप लोग फटाफट ग्रैंड मास्टर भी पहुंच जाओगे। तो गाइस आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और इस वीडियो को गाइस आप लोग पूरा एंड तक देखना और जो जो मैं आप लोग को बताऊंगा फुल स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करना। तो गाइस देखो फटाफट पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना बकबक मैं कर रहा हूं आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, क्या कर रहे हो यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का जो लाइक गेम रखते हुए 5000 लाइक, 5k लाइक्स फटाफट करा देना। और गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार। गाइस देखो मैंने एक नया बाइक खरीदा है तो उसके ऊपर कल मैं मेरे चैनल पे एक शॉर्ट डालू, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब मैं मतलब वीडियो अपलोड करूंगा तो गाइस आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करके पास में जब बेल नोटिफिकेशन मिले उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है, जब भी आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना कभी भी गाइस आप लोग को नॉक नहीं देना है। गाइस थोड़ा मोड़ा भी गलती आप लोग मत करना। जैसे ही गाइस आप लोग इस क्लिप में देखो मैं कितना अच्छी तरीके से दो बंदे को नॉक कर दूंगा, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया और एक दूसरा बंदे को भी गाइस मैं मतलब कितना अच्छी तरीके से नॉक कर दूंगा। गाइस देखो इस बंदे को नॉक कर दिया बट मेरा भी एक गलती हुआ, मैं फटाफट मतलब एकदम मुंह के ऊपर रश कर दिया। देखो दो बंदे को मैंने मार दिया बट जो रैंडम प्लेयर है पूरा हक दिए इधर, मतलब दो बंदे को भी मार नहीं पाए और ये देखो सामने पूरा रिवाइव हो गया सब कुछ। तो गाइस देखो मेरा एक गलती की वजह से पूरा राउंड ही मतलब हार गए। भाई मैच जीता सकता था मैच को पर रैंडम प्लेयर के ऊपर कोई भी भरोसा आप लोगों को नहीं रखना है। तो कभी भी गाइस आप लोग उल्टा फुल्टा ऐसा काम मत करना जिससे आप लोग नॉक हो जाओ। जैसे इस क्लिप में भी देखो मैं गाइस एक गलती किया और जो रैंडम प्लेयर है वो गाइस मेरे को रिवाइव ही नहीं दे पाया, इतना इजी रिवाइव था बट वो रिवाइव देने के चक्कर में खुद ही मर गया। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कभी भी गाइस आप लोगों को रैंडम प्लेयर के ऊपर पूरा भरोसा ही नहीं रखना है। अगर सामने एक बंदा है आप लोग चारों टीममेट ही अलाइव हो फिर भी गाइस आप लोगों को रैंडम के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आप लोगों को सोचना है भाई 1v1 सिचुएशन है, मेरे को ही मारना पड़ेगा। आप लोग अगर नॉक हो जाओगे तो वो राउंड आपका हाथ से गया, यही मेंटेलिटी लेके आप लोगों को खेलना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो बहुत टाइम आप लोगों का क्या होगा 1v4 सिचुएशन आ जाएगा और गाइस तब आप लोगों को कैसे मैच निकालना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को ज्यादातर ट्राई करना है लॉन्ग रेंज में फाइट लेने के लिए। जैसे गाइस देखो मैं लॉन्ग रेंज में दो बंदे को मार दिया, अगर गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट लोगे ना तो शॉर्ट रेंज में भाई आप लोग खुद मर जा सकते हो। तो गाइस आप लोगों को ज्यादातर प्रेफर करना है कि आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट लो। आप लोगों को सोचना है भाई 1v4 है मैं इजीली निकाल सकता हूं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे गाइस देखो तीन बंदे को मैंने ही मार दिया, अभी जो लास्ट वाला बंदा है उसको भी गाइस देखो मैं कैसे मार दूंगा। तो गाइस आपके पास मतलब लॉन्ग रेंज गन तो होना ही चाहिए अगर आप लोगों को 1v4 निकालना है तो। और शॉर्ट रेंज में गाइस अगर आप लोग 1v4 निकालना चाहते हो तो एक बंदे को मारो, एक बंदे को मारने के बाद फटाफट दूसरी जगह पे चले जाओ, फिर से और एक बंदे को मारो फटाफट दूसरी जगह पे चले जाओ और फिनिश आप लोगों को कर देना है। ऐसा करके गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में क्लच निकाल सकते हो। गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो अगर आप लोग कमबैक करना है या फिर हारा हुआ मैच जीतना है ना तब गाइस आप लोग कैसे जीत सकते हो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को यूज करना है। आप लोगों को कभी भी गाइस लॉन्ग रेंज फाइट नहीं लेना है तब, क्योंकि गाइस देखो क्या होगा आपका जो तीन रैंडम प्लेयर होगा वो शॉर्ट रेंज में घुस जाएंगे, कोई भी आपको कवर देने नहीं आएगा। जैसे कि मेरे साथ हुआ, देखो मैं लॉन्ग रेंज में अकेला फंस चुका हूं और गाइस देखो मेरा रैंडम प्लेयर तो सामने जाके मर ही गए हुए और मैं भी गाइस इधर मर जाऊंगा। तो गाइस रैंडम प्लेयर के ऊपर गाइस आप लोगों को भरोसा नहीं रखना है और लॉन्ग रेंज फाइट भी आप लोग मत लेना। अगर आप लोग कमबैक करना है तो गाइस आप लोगों को शॉर्ट रेंज फाइट ही लेना पड़ेगा। बट अभी गाइस देखो इस क्लिप में देखो हम लोग का इधर मतलब 3-3 स्कोर है और इधर से हम लोग को मैच जीतना है। अभी गाइस देखो क्या होगा, मैं इधर शॉर्ट रेंज फाइट ले रहा हूं और शॉर्ट रेंज में मेरे को मतलब रैंडम प्लेयर है जो कि मेरे को थोड़ा मोड़ा कवर दे रहे, तो इसलिए गाइस आप लोग ट्राई करना है अगर आप लोग कमबैक करना है शॉटगन वगैरह ये सब लेने के लिए और एकदम मतलब क्या करना घर के अंदर घुस जाना और सभी के सभी रैंडम प्लेयर को एक बार माइक ओपन करके बोल देना घर के अंदर घुस जाने के लिए और मतलब शॉर्ट रेंज फाइट ही लेना अगर आप लोग कमबैक वगैरह करना है तो या फिर मैच जीतना है तो। फोर्थ नंबर ट्रिक है गाइस देखो मैं आप लोगों को दो ऐसे गन बता दे रहा हूं जो गाइस अगर आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। वो है गाइस फेमस लेवल 3। गाइस फेमस को आप लोग लेवल 3 कर दो फिर गाइस आप लोग स्कोपिंग स्कोप आउट करके मारो, भाई 2 सेकंड के अंदर बंदा खत्म हो जाएगा और कितना ज्यादा इजीली हेड लग रहा है देखो अभी अपडेट के बाद कितना ज्यादा अच्छा हेड लग रहा है। मतलब देखो सिंपली गाइस स्कोपिंग स्कोप आउट करके हल्का सा ड्रैग कर दो बस गाइस आप लोग का हेडशॉट लग जाएगा। और जो दूसरा गन है वो है AWM। गाइस AWM भी रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना तब बहुत ही ज्यादा काम आता है, बट हाँ गाइस देखो आप लोग को AWM चलाना आना चाहिए। अभी गाइस देखो जैसे कि आप लोग इस क्लिप में देखो ये ऊपर मैं AWM लेके गया था ना और ऊपर जाके गाइस देखो मैंने पूरा स्क्वाड ही वाइप आउट कर दिया। अब मेरे को AWM चलाना थोड़ा मोड़ा आता है तो मैं इधर मतलब अच्छी तरीके से मार पा रहा हूँ, बहुत बंदे को AWM चलाना ही नहीं आता। तो गाइस देखो अगर आप लोग AWM चलाना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं
ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट जाके गाइस आप लोग वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। और जैसे गाइस देखो आप लोग इधर देख सकते हो ऊपर से पूरा स्क्वाड ही वाइप आउट कर दिया मैंने। तो गाइस आप लोगों मतलब चाहो तो आप लोग WW में भी चला, बट मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक SMG गन लो, उसके साथ एक AWM लो, एक AWM से 150 मारो, फिर आप लोग SMG गन से मतलब मार सकते हो बंदे को। गाइस देखो फिर नंबर ट्रिक है, गाइस देखो मैं आप लोगों को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो फर्स्ट राउंड में आप लोग सिंपली M500 लो, अगर आप लोग G18 या फिर WSP लेते हो ना तो गाइस क्या होता है मतलब स्पैम ही करते रहोगे, सामने वाला बंदा आपको मार देगा, तो उससे अच्छा आप लोग M500 लो। एक अगर आप लोग का हेड लग गया तो बंदा ऐसे ही मर जाएगा। तो गाइस आप लोग मेरे सब्सक्राइबर है तो मुझे पता है आप लोगों को वन टैप देना भी आता है, अगर आप लोगों को वन टैप देना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। आप लोग का जो हेडशॉट है वो बहुत ही ज्यादा ओपी लगेगा, वन टैप के आप लोग एकदम मास्टर हो जाओगे। तो फर्स्ट राउंड में जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो एक मेरा शॉट कनेक्ट हो जा रहा है और बंदा मर जा रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऑलवेज सजेस्ट करता हूं फर्स्ट राउंड में आप लोग M500 लो, और अगर आप लोगों को एकदम ही चलाना नहीं आता तब आप लोग G18 ले सकते हो। और सेकंड राउंड के लिए गाइस देखो ये जो गन है ना M1917, ये गन अगर आप लोग मतलब आर्मर में आता है तो गाइस ये गन आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा बवाल गन है यार, मतलब जो हेडशॉट लगता है काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बॉडी शॉट भी भाई ओपी लगता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मतलब 2-3 सेकंड के अंदर बंदा नॉक हो जा रहा है। और ये गाइस मिड रेंज में भी काफी ज्यादा अच्छा चलता है, शॉर्ट रेंज में तो बवाल चलता ही चलता है और मिड रेंज में भी काफी ज्यादा अच्छा चलता है। तो गाइस अगर आप लोग चाहो तो मतलब ये गन अगर आप लोग का आता है तो सेकंड राउंड में आप लोग ये गन जरूर से प्रेफर कर सकते हो, ये मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में काफी ज्यादा आप लोगों को काम आएगा, लॉन्ग रेंज में नहीं चलता बट मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में काफी ज्यादा ये काम आएगा। तो अगर आप लोग आर्मरी में ये वाला गन आता है तो गाइस डेफिनेटली आप लोग ये वाला गन यूज करो। और जैसे ही गाइस देखो मैं एक बंदे को तो मैंने मार दिया और इस बंदे को भी मैं मारता हूं, बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस क्या करो यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है हम लोग यार, 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए, कब होंगे यार, कब से मैं बोल रहा हूँ करो करो बट गाइस आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। और तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चलेगा कि आपका भाई का चैनल है, वो लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर देंगे। गाइस देखो 6th नंबर ट्रिक है वो है कैटा कॉम्बिनेशन। अब गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैटा कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आप लोगों को पता ही है। तो रैंडम प्लेयर के लिए जो बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन होगा वो है सबसे पहले आप लोग एक्टिव स्किल में तासुआ लेना है, फिर गाइस आप लोगों को सोनिया लेना है, फिर गाइस आप लोगों को लूना लेना है, और लास्ट में गाइस आप लोगों को एंड्रयू लेना है। ये कैटा कॉम्बिनेशन रैंडम प्लेयर के साथ खेलो ना तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आप लोग, शॉर्ट रेंज में भी हेल्प करेगा आप लोगों को, मिड रेंज में भी हेल्प करेगा, लॉन्ग रेंज में भी हेल्प करेगा। तो गाइस जरूर से आप लोग ये कैटा कॉम्बिनेशन लेना। गाइस देखो जो 7th नंबर ट्रिक है वो मैं आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रेटेजी बता देता हूं जो गाइस मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं हर एक राउंड में, और ये गाइस आप लोगों को हर एक राउंड में ही मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, वो है गाइस फ्लैंक। गाइस आप लोगों को फ्लैंक करना है, आप लोगों को गाइस एक लॉन्ग रेंज गन लेना है, आप लोग वन टैप वाला भी गन ले सकते हो, वुड पेकर भी ले सकते हो, या फिर AK-47 ये सब भी ले सकते हो। आप लोग एकदम जोन के साइड से जाना और पीछे से गाइस आप लोगों को टारगेट यही रखना है पीछे से एक या फिर दो बंदे को नॉक करने के लिए, और नॉक करने के बाद आप लोग जरूर से उसको फिनिश कर देना। और जब भी गाइस आप लोग एक या फिर दो बंदे को नॉक करोगे आप लोगों को फटाफट रश के लिए चले जाना है, और अपना माइक ओपन करके भी आप लोग रैंडम प्लेयर को बोल सकते हो कि भाई बंदा नॉक है जाके रश कर दो। 8th नंबर जो ट्रिक है गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लोड आउट में से आप लोगों को ऑलवेज लेग पॉकेट लेना है, इससे गाइस क्या होगा आप लोग 3 ग्लू वॉल की जगह 5 ग्लू वॉल ले पाओगे, और आपको पता ही है भाई ग्लू वॉल कितना ज्यादा काम आता है, तो रैंडम प्लेयर के साथ खेल लो तब बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप लोगों को जरूर से लोड आउट में से लेग पॉकेट यूज करना है। और बाय द वे गाइस अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो गाइस फटाफट मेरे को इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो गाइस जाके यार फटाफट मेरे को फॉलो कर लेना। और अभी गाइस देखो जो लास्ट नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो अगर आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेलो तो गाइस आप लोगों को कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे जाके गाइस आप लोग छुप छुप के एनिमी को मार पाओगे, एनिमी आप लोग को नहीं देख पाएगा बट हाँ आप लोग पूरा सब एनिमी को देख पाओगे और एनिमी आपको नहीं देख पाएगा, आप लोग छुप छुप के उनको मार दोगे। और ये सब जगह पे गाइस आप लोग अकेले ही जा सकते हो, तो उसके ऊपर गाइस अब मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ CS रैंक के लिए, कुछ हिडन प्लेसेस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को वन टैप देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।